हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बॉटनी पीडिया के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म, जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं हूं डॉक्टर पवन कुमार, और आइए बिना किसी देरी के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन यूरोप, और फिर हम पढ़ेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन अमेरिका, और हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में किस तरीके से कौन कौन से ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मूवमेंट शुरू हुए। बिगनिंग इन द यूरोप इन वेरी अर्ली 1800, एनवायरमेंटलिज्म केम इन टू एग्जिस्टेंस। द एनवायरमेंटल मूवमेंट ग्रू स्ट्रांगली इन ब्रिटेन एज अ रिस्पॉन्स टू द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ब्रिटेन के अंदर इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई, और इसका जो मेन कारण था वो था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। विद नो एनवायरमेंटल रेगुलेशन टू स्टॉप देम, द फैक्ट्रीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पोल्यूटेड द एयर and water and expanded out into the beautiful farmland. Quickly there was a backlash to the factories with people calling for wild spaces to be protected. इस पॉइंट में यही बताया गया है कि किस तरीके से जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया तो उस समय एयर पोल्यूशन होने लगा, वाटर पोल्यूशन होने लगा, और उसकी वजह से जो लोग थे वो बहुत ही परेशान होने लगे। और इसी इंसिडेंस ने क्या किया, यूरोप के अंदर एनवायरमेंटलिज्म को इनिशिएट किया। फिर उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप्स बने जो कि कंजर्वेशन के बारे में बात करते थे, जैसे कि द सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स इन 1889 एंड द नेशनल ट्रस्ट फॉर द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिक इंटरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी इन 1894। दीज ग्रुप्स दे स्टार्टेड पॉपिंग अप ऑल ओवर द इंग्लैंड। और फिर उसके बाद इन 20th सेंचुरी में एनवायरमेंटल लॉज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज बिगेन टू पॉप अप ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट एस्पेशली इन द नाजी जर्मनी। सेवरल नाजीज वर एनवायरमेंटलिस्ट एंड वांटेड टू प्रोटेक्ट द जर्मन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आप कुछ पिक्चर्स देख सकते हैं। उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो पावर में थे, जो जिसको हम कॉमनली नाजी जर्मनी के नाम से जानते थे, वो पिक्चर यहाँ पर दिखाई गई है। और राइट साइड पर एक आप एक पिक्चर देख सकते हैं, विच इज ए पिक्चर ऑफ नेशनल ट्रस्ट फॉर प्लेसेस फॉर हिस्टोरिक इंटरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1894। दो ऐसी किताबें हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं जिन्होंने यूरोप के अंदर एनवायरमेंटलिज्म को क्या किया, प्रमोट किया। 1950s में, 60s में, 70s में इन बुक्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल रहा। फ्रॉम टाइम टू टाइम दीज बुक्स रियली हेल्प इन एनकरेजिंग पीपल टू सेव एनवायरमेंट। सो फटाफट पहले इस स्लाइड को रीड करते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन है, और फिर हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। एनवायरमेंटल मूवमेंट नॉट ओनली कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन 1950s, 60s, 70s विद मैनी इन्फ्लुएंशियल बुक्स बींग पब्लिश एज सच एज इसेंट काउंटी एलमेन इन 1949 एंड साइलेंट स्प्रिंग इन 1962। पहले हम बात करते हैं कि कैसे एक सैंड काउंटी एल्मेनेक, जो एक किताब थी जो 1949 में पब्लिश हुई थी यूरोप में, और इसने कैसे एनवायरमेंटलिज्म को एनकरेज किया। सो ये एक नॉन फिक्शन किताब थी बाय अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, फॉरेस्टर एंड एनवायरमेंटलिस्ट, जिनका नाम था एल्डो लियोपोल्ड। और उन्होंने इसके अंदर इस चीज के आइडिया को डिस्कस किया था कि हर एक लैंड का एक एथिक है, यानी कि एक रिस्पॉन्सिबल रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, द पीपल एंड द लैंड दे इनहैबिट। यानी कि हर वो इंसान जो अपनी किसी जमीन पर रहता है तो उसका जो रिलेशनशिप है, उसके जो राइट्स हैं, उसके ऊपर बनते हैं। फिर उसके बाद एक किताब आई जिसका नाम था, टाइटल था साइलेंट स्प्रिंग। ये किताब लिखी थी रचेल कार्सन ने, जो कि सितंबर 27, 1962 को पब्लिश हुई थी। दिस बुक डॉक्यूमेंटेड द एनवायरमेंटल हार्म कॉज्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड्स वो केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं।
तो इस किताब में बहुत सालों पहले ही इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में, पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था। और ये दो ऐसी किताबें थीं जिन्होंने यूरोप के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया। अब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन अमेरिका की। सो इन नॉर्थ अमेरिका, जॉन म्यूर, वन ऑफ द अर्लीस्ट एनवायरमेंटलिस्ट, कन्विंस्ड द यूएस कांग्रेस टू क्रिएट द रोजिमाइट नेशनल पार्क टू प्रिजर्व द ब्यूटिफुल वैली। मैनी अदर कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स बिगेन टू टेक प्लेस अक्रॉस द कॉन्टिनेंट विद पीपल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ड्विंडलिंग अमेरिकन बाइजन पॉपुलेशन। जो जॉन म्यूर है उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। ये एक बहुत ही फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थे अमेरिका के अंदर, जिन्होंने क्या किया कि योसेमिटी नेशनल पार्क को प्रिजर्व करने के लिए, इस वैली को प्रिजर्व करने के लिए, जिसकी पिक्चर आप राइट साइड में टॉप पर देख सकते हैं, बहुत सारे एफर्ट लगाए। और इन्हीं के एफर्ट्स की वजह से जो ये वाली पॉपुलेशन है, अमेरिकन बाइसन की जो पॉपुलेशन है, वो प्रोटेक्ट हो पाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आपका एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। इन 1916 प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, ही फाउंडेड द नेशनल पार्क सर्विस, जिसकी फोटो सेकंड पिक्चर जो है यहाँ पर लगी हुई है। तो इन्होंने नेशनल पार्क सर्विस जो है उसको क्या किया, स्थापित किया, विच डीपली सपोर्टेड द ग्रोइंग एनवायरमेंटल मूवमेंट। सो व्हाट इज नेशनल पार्क सर्विस? इट इज एन एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट which is situated at the in the Washington DC, and it manages all national park, most national monuments and other natural, historical and recreational properties with various title designations. तो इस एजेंसी का काम है नेशनल पार्क, मॉन्यूमेंट्स, नेचुरल, हिस्टोरिकल और रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। फिर उसके बाद अमेरिका में जो एक किताब जिसका असर अमेरिका में भी देखा गया था, जो कि एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट थे, जिसका इम्पैक्ट यूरोप पे भी पड़ा था और अमेरिका पे भी पड़ा था, जिसके बारे में हमने पीछे की स्लाइड में भी बात की। इसने बताया कि किस तरीके से जो पेस्टिसाइड डीडीटी जो है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये एक पेस्टिसाइड होता है जो कि इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, पेस्ट जो होते हैं जो हमारे क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको किल करने के लिए यूज़ होता है। तो इसके हार्मफुल इफेक्ट को एनिमल्स के ऊपर डिस्कस किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। इसका असर इतना हुआ कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी बनाई गई और 1970 में, और डीडीटी को कम्प्लीटली 1972 में बैन कर दिया गया। लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है वो रेचल कार्सन की है, हु वाज कंसीडर्ड द मदर ऑफ द एनवायरमेंटल मूवमेंट। एंड राइट साइड पे जो पिक्चर है वो उस दिन की है जिस दिन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया के बारे में। तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे मूवमेंट हुए जिसकी वजह से एनवायरमेंटलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हुआ। बहुत ही फेमस एग्जांपल है हमारे यह हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म में बिश्नोई मूवमेंट। सो दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय अ सेज सोमबाजी अराउंड 1700 AD, यानी कि एक बहुत ही साधु संत थे जो जिनका नाम था सोमबाजी, और 1700 AD में ही उन्होंने डीफॉरेस्टेशन, यानी पेड़ों की कटाई के विरुद्ध क्या किया था, आंदोलन शुरू किया था। उन्हीं के प्रिंसिपल्स पर काम करते हुए अमृता देवी बिश्नोई, जो बिश्नोई कम्युनिटी की एक लेडी थी, उन्होंने क्या किया, इस मूवमेंट को लीड किया। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट 363 पीपल फ्रॉम द बिश्नोई कम्युनिटी वर किल्ड इन द प्रोटेस्ट, एंड व्हेन द किंग ऑफ रीजन केम टू नो द प्रोटेस्ट एंड द किलिंग, he rushed to the village and apologized and declared the region as a protected area. So, किस तरीके से बिश्नोई community के efforts की वजह से उस particular area को protected area declare कर दिया गया। अब हम बात करते हैं दूसरे एक ऐसे movement की जिसका नाम था चिपको movement, जो कि गोपेश्वर
से लेके जो कि हमारा उत्तराखंड में चामोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, 1973 में ये मूवमेंट हुआ था। ये भी पेड़ों की कटाई को, इलीगल कटिंग को रोकने के लिए किया गया था। और इसके जो लीडर थे वो थे सुंदर लाल बहुगुणा एंड चांदी प्रसाद भट्ट। द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मूवमेंट वर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन। तो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लेडीज अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होती थी जब कभी भी उस डिस्ट्रिक्ट में पेड़ों को इलीगल कट करने के लिए कोई आता था। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये पिक्चर है सुंदरलाल बहुगुणा की, जो कि इसके मेन लीडर थे। फिर एक मूवमेंट आया एपिको मूवमेंट, और ये आया हमारा जो मूवमेंट था ये मोर और लेस जो उसका जो स्टाइल था वो चिपको मूवमेंट की तरह ही था। ये 1983 में आया और ये कर्नाटक में हुआ। इसके जो मेन जो इसके लीडर थे वो थे पांड्यूरंग हेज, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। हु इज फेमस फॉर दिस मूवमेंट, जिसका नाम एपिको मूवमेंट था और ये कर्नाटक में हुआ। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि एफॉरेस्टेशन किया जाए, यानी पेड़ लगाए जाए डेवलपमेंट के साथ साथ, और फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए और फॉरेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए इन द बेस्ट मैनर। इन द मीनिंग ऑफ एपिको इज टू एक्सप्रेस वन अफेक्शन फॉर अ ट्री बाय एम्ब्रेसिंग इट। जो एपिको वर्ड है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि अपने प्रेम को क्या करना, प्रदर्शित करना ट्रीज के लिए बाय हगिंग देम, बाय एम्ब्रेसिंग देम। इस मूवमेंट को हम कहते हैं एपिको मूवमेंट। फिर उसके बाद एक मूवमेंट आया जिसका नाम था साइलेंट वैली मूवमेंट, और ये केरला में हुआ। इट इज़ अ वेरी रिच स्टेट इन इंडिया विच इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बहुत ही वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ हमें मिलते हैं। तो उस समय जब ये साइलेंट वैली मूवमेंट में एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट आया था, यानी कि बिजली से पावर बनाना, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया लाया गया। तो जब ये प्रोजेक्ट लाया गया 1973 में, तो उस समय जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुई, और बाद में इस पूरी वैली को एक नेशनल रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया 1985 में। फिर उसके बाद एक मूवमेंट आया जिसे कहते हैं हम जंगल बचाओ आंदोलन, सेव द ट्री मूवमेंट। ये एक कम्युनिटी थी झारखंड की, झारखंड का यहाँ मैप बना हुआ है लेफ्ट साइड पे। झारखंड के सबसे साउथ में अगर आप देखेंगे जो हाईलाइटेड डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम था सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो फॉरेस्ट की जो पॉलिसी थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी 1982 में, उसके अगेंस्ट एक ट्राइबल कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। सो द गवर्नमेंट वॉन्टेड टू रिप्लेस द नेचुरल सॉइल फॉरेस्ट विद द हाई प्राइस टी। गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए जितने भी फॉरेस्ट हैं उनको कट करके टीक के पेड़ लगाना चाहते थे, क्योंकि जो टीक का लकड़ी होती है वो बहुत ही कॉस्टली बिकती है, फर्नीचर बनाने के लिए यूज होती है। तो अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट आए सामने और इन्होंने इसके अगेंस्ट एक आंदोलन चलाया जिसे जंगल बचाओ आंदोलन के नाम से जानते हैं। फिर एक मूवमेंट हमारे इंडियन हिस्ट्री में हुआ है जिसे हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन या नर्मदा बचाओ मूवमेंट। इसमें जो एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल पीपल दे केम टुगेदर अगेंस्ट द बिल्डिंग ऑफ डैम ऑन द नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर पर बांध बनाया जा रहा था ताकि बिजली पैदा की जा सके 1985 में। इसी के अगेंस्ट ये आंदोलन चलाया गया, क्योंकि जब भी कोई डैम बनता है तो एक बहुत बड़ा एरिया जो है वो पानी के अंदर डूब जाता है, जिससे बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है और हमारे इकोसिस्टम के लिए, एनवायरनमेंट के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। सो ऑन दीज लाइन्स दिस मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड, और इसमें जो मेन लीडर थी वो थी मेघा पाटकर। और इस आंदोलन को दूसरे सेलिब्रिटीज ने भी सपोर्ट किया, जिनमें से आमिर खान का नाम भी शामिल है। इसके अलावा अरुंधति रॉय और बाबा आमटे ने भी इस आंदोलन को सपोर्ट किया था। फिर हम बात करते हैं हमारा एक और कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था, जो टिहरी डैम जब बन रहा था
तब हुआ था, तो उसमें जो लोकल पीपल थे 1980s और 1919 में, उन्होंने इस डैम को प्रोजेक्ट को रोकने से रोकने के लिए, क्यों, क्योंकि ये इस जिस जगह पर ये डैम बनाया जा रहा था उस डैम पर बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते थे, तो अगर अर्थक्वेक आएगा और ये ब्रेक हो जाएगा तो आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी लाइफ डेंजर में हो सकती थी, इसीलिए लोगों ने इसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किया। और उसमें एक एनवायरमेंटलिस्ट जिनका नाम पहले भी आया था अभी पीछे एक मूवमेंट में, सुंदरलाल बहुगुणा ने भी पार्टिसिपेट किया और ही वेंट ऑन सिटिंग ऑन फास्ट ऑन टू दैट, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अप्रोच किया और प्रोजेक्ट को रिव्यू किया और बहुगुणा ने अपने फास्ट को जो है वो ब्रेक कर दिया। तो ये सारे के सारे अगर एग्जाम में आते हैं पॉइंट्स लिखने के लिए, तो हमें सारे पॉइंट्स को अगर एक साथ लिखना हो और क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में, राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब वेरियस मूवमेंट दैट हैपेंड इन इंडिया अबाउट दैट टेल्स यू अबाउट हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म इन इंडिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं विद एग्जाम्पल हम वहाँ पर लिख सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा लेसन कम्प्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आप फ्यूचर में इस तरह के लेसन को दोबारा से अगर कोई आए तो आप मिस ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, हो सकता है कि उन्होंने इस लेसन को डिस्कवर ना किया हो कि हेल्प होगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप चाहते हैं कि आपको स्टडी मटीरियल के लिए, स्टडी करने के लिए इस प्रेजेंटेशन, इस PPT की एक कॉपी चाहिए, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।